की सवारी साथ में यारी, खास लम्हों की जो बात है, कुछ बनने की है बारी, उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है। छूना है आसमां, रोज हम में है वो दम, आगे है बढ़ना, कॉस टेक्नो वाले हम। टेक्नो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अगरतला। सेंटर पॉइंट, लीडर सेंटर पॉइंट, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री ना हो तो उप मुख्यमंत्री ही हमारे लिए अभी सेंटर पॉइंट है। मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी के साथ और जो मेरा विभाग केवल पंचायती राज आरडी मंत्रालय को ही नहीं, हमने सारे मंत्रालय के साथ इंटरेक्शन की और मेरा लक्ष्य है भारत सरकार के प्रधानमंत्री का, दो कार्यक्रम यहाँ ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो आपको बताने की जरूरत ज्यादा है। वो है पूरे राज्य के जो 8,970 रेवेन्यू विलेज हैं, सारे विलेज का हम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तैयार किया है और जिसके लिए 12,35,687 ये उतने उस पर अपलोड किए हैं वेबसाइट, जिसके कारण पूरे त्रिपुरा राज्य के सारे रिकॉर्ड जमीन के आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक डिजिटाइजेशन का सवाल, वो हमने 5,312 नंबर ऑफ मैप सीट डिजिटाइज अपलोड वेबसाइट पर किए हैं, और केवल वही नहीं, जो हमारे राज्य में त्रिपुरा में भारत सरकार का पूरा कि पूरे देश को हम जितने लैंड हैं उनका डिजिटल मैप और जितने घर हैं वो स्वामित्व के तहत, ये पंचायतों की जमीन और पंचायतों का घर, उसमें त्रिपुरा सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि देश में एक नंबर की श्रेणी में काम कर रहा है, जो अपलोड भी कर दिया है 897 रेवेन्यू विलेज का, और जो इस राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्री ऑफिस है, आपको जान के खुशी होगा सारे रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्री ऑफिस डिजिटल हो गए हैं। और डिजिटल हो जाने से लैंड रिकॉर्ड डिजिटल, रजिस्ट्री ऑफिस डिजिटल, बैंक और सेलर और बायर, ये सबको अब डिजिटल कर दिया गया है और यहाँ इसकी शुरुआत हो गई है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं आपके सामने इसीलिए रखना चाह रहा था कि सारे चीज की चर्चा तो होती लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। और दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी है ई गवर्नेंस का, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, ये जितने डिजिटल हुए हैं लैंड रिकॉर्ड, ये अपने आप में डिम रजिस्टर्ड है उनके अधिकार को, उसके हैबिटेशन को, उनके लैंड रिकॉर्ड को। दूसरा काम त्रिपुरा के अंदर में, वैसे पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री ने अभी हमारे देश में फूड सिक्योरिटी
कानून भी है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को 2020 के मई से लेकर के बीच के दो चार महीने को छोड़ दे तो आगे नवंबर तक सबको 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेट किया है कि 250 में 2050 में भारत की आबादी जब बढ़ जाएगी तो ग्रेन का उपयोग कैटल फीड में होगा, पोल्ट्री फीड में होगा, अकी फिश फीड में होगा, तो को एग्जिस्टेंस का सवाल होगा। ऐसी स्थिति में त्रिपुरा को भी अभी चावल का हब तो माना जाता है लेकिन अभी भी बाहर से फूड ग्रेन आते हैं। अभी हम 65 भारत के अंदर में 141 मिलियन हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसके अलावे हम 97 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जो खेती के लायक कहीं है, बारिश हो गई तो एक क्रॉप हो गया, ये पूरे देश में उसको हमने टारगेट किया है भारत में कि 2024 तक हम 30 मिलियन हेक्टेयर को लेंगे। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में हम 65 प्रोजेक्ट हमारा डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके त्रिपुरा गवर्नमेंट ये 65 में 213,000 हेक्टेयर जमीन को हम इस साल के अंत तक दो फसल करने लायक, उसमें हो सकता हॉर्टिकल्चर भी हो, पैडी भी हो, किसानों की आमदनी में 4 गुना की बढ़ोतरी ही नहीं होगी बल्कि फ्यूचर में जमीन जब आबादी बढ़ती है जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कोई इलास्टिक नहीं है, रबर नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री का सोच और राज्य के मुख्यमंत्री का सोच ऐसा है, ये 213,000 हेक्टेयर जमीन हमें खेती योग्य जब 2021 के लास्ट और 22 तक में हम 21-22 में पूरा कर लेंगे 22 तक, तब आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं त्रिपुरा की सरकार को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी टीम को और सरकार के पूरे महकमे को, उन्होंने केंद्र के लक्ष्य को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज है हमारा डिपार्टमेंट अगर लैंड रिकॉर्ड को ठीक कर रहे हैं, वहीं वाटरशेड प्रोग्राम में जो जमीन बंजर है, खेती योग्य नहीं है, उनको खेती योग्य बना रहे हैं, चेक डैम बना करके वाटरशेड प्रोग्राम के अंतर्गत कुआं खोद करके पाइप बोरिंग करके कई तरह से काम करके, वहीं पर सड़कों का भी निर्माण हम कर रहे हैं और सड़कों के निर्माण में राज्य सरकार को मैंने कहा है कि जो 121 सड़क हैं 544 किलोमीटर लंबाई, जो इन्होंने कहा है कि 2022 तक हम पूरा कर देंगे, उसके बाद थर्ड फेज में जो ये रखेंगे लगभग 300 किलोमीटर की मांग को रखा है, मैं वो भी सड़क इन्हें दूंगा। अगर आपसे देश में जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था हमारे भाई जो लेबर थे या माइग्रेंट थे। आज मैं
डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पूरे देश में हमने जहां मोदी की सरकार के आने के बाद 36,000 इसके बजट होते थे, 34,000, वहां आज 1,25,00,000 करोड़, 72,000 करोड़ के बजट पूरे देश के हो रहे हैं। मैंडेट हमने 389 करोड़ दिवस को, जो अपने आप में रिकॉर्ड है लोगों को एक रोजगार देने का, लेकिन त्रिपुरा ने भी अपने आप को भारत सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में, जहां बिप्लव देव की सरकार आने के पहले केवल 34 डे काम मिल पाता था एवरेज, आज 75 डेज काम मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वही नहीं, हम 99% डीबीटी कर रहे हैं। पिछली सरकार में डीबीटी नहीं के बराबर था, अकाउंटेबिलिटी नहीं के बराबर था। हम केवल 99% डीबीटी नहीं कर रहे हैं मनरेगा में, बल्कि जियो टैगिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को साथ लिया है। केवल टेक्नोलॉजी को साथ नहीं लिया है, बल्कि एसेट क्रिएशन में पिछली सरकार से हम मोर देन 70% अधिक हमने एसेट क्रिएट किया है। ये मनरेगा का एक तरह से त्रिपुरा सरकार का अचीवमेंट माना जाएगा। अगर मैं, सबसे बड़ी योजना है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हम सबको घर देंगे। परिवार जो उस समय 2011 के जनगणना के अनुसार थे उनको, और आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पूरे देश में लगभग 1,60,00,000 के तैयार हो गया है, और 2022 के मार्च तक हम 2 करोड़ बनाएंगे, और 2 करोड़ बनाने के बाद और एडिशनल लगभग हमने 1 करोड़ घरों का लक्ष्य लिया है। और उसी घर में मैं आपको अगर कहूं कि त्रिपुरा भी एक माइलस्टोन साबित किया है, और भारत सरकार के गोल में अगर 17-18 तक देखें, 15-16, 16-17, 17-18, तो केवल 12,659 घर बने थे, और आज 43,000 कहें या 42,944 कहें, मैं 43,000 कह रहा हूं। और त्रिपुरा की सबसे बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री से कि हमारे यहां गरीबों का 3 का घर है, हमारे मैंडेट में 3 का घर नहीं आता था, लेकिन त्रिपुरा की सरकार के आग्रह पर भारत की सरकार ने स्वीकारा, और हम 1,59,000 घर इनको नया देने का संकल्प लिया है 3 दिनों के अंदर। पहले भी प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई थी। ये एक बहुत बड़ी आवास योजना में त्रिपुरा का ही माइलस्टोन नहीं होगा, बल्कि जो हमारा लक्ष्य है उसमें त्रिपुरा का एक लंबा गोल होगा। मैं नहीं समझता कि 1,59,050 यानी 2,00,000 घर ये अपने कार्यकाल में सैंक्शन करेंगे और उसको पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे। तो हमने सड़क भी दी, जमीन भी डिजिटलाइजेशन किया, घर को भी स्वामित्व दिया, आवास भी दिया। अब
जल जीवन की बात जब मैं करता हूं कि 70-72 साल अब 75वां साल में हम क्रॉस कर गए आजादी के, लेकिन नीतियां ऐसी रही कि हम लोगों के घरों तक हम जल नहीं पहुंचा पाए। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मैंने लक्ष्य लिया है कि 2023 तक देश के हर घर में जल पहुंचाने का काम। वैसे मैं बिजली की चर्चा नहीं करूंगा, बिजली मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन त्रिपुरा ने भी कमाल किया। अगर 17-18 तक देखता हूं तो केवल 12,796 घर बने और 2021 ये नल जल 2021 तक 1,93,268 घरों में, और पहले 1,500 प्रतिदिन इधर के दिनों में, अब उसके 10 टाइम्स की बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं एक तरफ जल नल की व्यवस्था भी, और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि त्रिपुरा के 7 करोड़ जो ग्रामीण व्यवस्था है, घर है, भारत की सरकार सबसे ज्यादा अगर चिंतित है तो वो चिंतित है गांव की महिलाओं का, जिसको हम त्रिपुरा लाइव स्टॉक मिशन के रूप में जानते हैं। मैं वो सूची मांगना चाहूंगा, देश का सूची तो मेरे पास में है। आज मैं देश को आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए रखना चाहूंगा जब तक आप हमारे संकल्प को नहीं देखेंगे सुनेंगे तब तक आप, हमने संकल्प लिया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस समय देश में 2,35,00,000 महिलाएं जुड़ी थी, आज 7 करोड़ 7 मान लीजिए 7.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं देश में। और उस समय जो फिनेंशियल असिस्टेंस था, बैंकों से जो ऋण था, वो बैंक लिंकेज भी कम था, वो मात्र 50,000 करोड़ था भारत में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहनों को लगभग 4,00,000 करोड़ का ऋण दिलाने का काम किया। और मैं आपसे कहूं, मेरा लक्ष्य है कि 2025 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी घरों को जोड़ें। अगर मैं यहां त्रिपुरा की बात करता हूं तो मैं त्रिपुरा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14-15 से 17-18 तक केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप का नंबर था 4,061 मेंबर जुड़ी थी 40,135। 1999 से ये स्कीम चल रहा है, वर्षों तक सरकार रही, 17-18 तक का टोटल अचीवमेंट यही है। ये 1999 से चल करके 2000
17-18 तक केवल 4061 एसएचजी ग्रुप बना और 40,135 मेंबर। और ये सरकार आज तक, यानी दो एक हफ्ता पहले तक का फिगर होगा या कल तक का, 18-19 से 21-22 छह गुना की बढ़ोतरी हुई, 23,707। ये 3 साल बनाम 20 साल, ये त्रिपुरा की सरकार उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को, पूरी टीम को, अरे मंत्री भी यही हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके नेतृत्व में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। और मेंबर देखेंगे, जहां 40,135 था वहां 2,20,885 हुआ। अब मैं फिनेंशियल इंक्लूजन अगर आपके सामने रखूं, 14-15 से 17-18 तक केवल सारे चीज को जोड़ लूंगा 36.96 करोड़, वहीं 452 करोड़। अगर महिलाओं को ऋण की बात करेंगे और 4.5 साल का जोड़ दूंगा तब तो 700 करोड़ चला जाएगा। मैं इसमें मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहूंगा, मैंने लक्ष्य किया है, जो देश में लक्ष्य किया है वही त्रिपुरा में, त्रिपुरा में लक्ष्य किया है कि जो लगभग अब 3 लाख महिलाएं हो गई हैं सब मिलाकर के, जो आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट से काम हो रहा, सबको मिला करके यहाँ जितनी है, लक्ष्य रखा है कि 22 तक इस 3 लाख में 1 लाख महिला की आमदनी 8,000 से 12,000 रुपया हो, और 6 लाख जो रूरल हैबिटेट हैं वो 2025 तक जितने भी महिला इसके साथ जुड़ेंगी मिनिमम आमदनी 1 लाख रुपया सालाना हो, उसकी ब्रांडिंग त्रिपुरा गवर्नमेंट करेगी, लाइव स्टॉक सेक्टर, फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर। कल हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, 8,000 से 30,000 रुपये कमाने वाली बहनों ने अपनी बात स्टेज पर आके कहा। अगर मेरा लक्ष्य है कि 2025 तक इन महिलाओं की आमदनी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, जब 6 लाख को मिनिमम जोड़ने की बात और उनका इनकम मिनिमम 1 लाख, तो भी हम 6 से 8 हजार करोड़ त्रिपुरा के जीडीपी में एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करने में राज्य सरकार के द्वारा सक्षम होंगे। ये मेरा पूरे देश में मोदी का लक्ष्य है कि महिलाओं के हाथ में हम मिनिमम 8 से 10 हजार रुपया कैसे दें, और देने का मतलब ये नहीं है हम उनको फिनेंशियल असिस्टेंस करते हैं बैंक के द्वारा, मार्जिन मनी के द्वारा, सीड मनी के द्वारा, रिवॉल्विंग फंड के द्वारा, ये कई ऐसे फंड हैं और मेंटरिंग करते हैं, ये लक्ष्य है। और आज 3 दिनों में मेरा लगता है कि भले ही ये राज्य छोटा राज्य हो, लेकिन मोदी जी ने जो मुझे टास्क दिया है कि त्रिपुरा के जीडीपी में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान हो, उसमें हम आपके सामने सारे विषय को रखने का काम किया, चाहे घर का हो,
चाहे सड़क का हो, चाहे डिजिटल का हो, चाहे जल का हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का, मैं आज 3 दिनों में जो काम राज्य में मोदी जी ने ड्यूटी दी थी वो मैं मंत्रियों के साथ मिलके, आज मैं फॉरेस्ट के साथ गया था, जबकि मेरा उसमें भी रोजगार खोजने गए थे कि मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या रोजगार करेगा। मुझे बहुत खुशी है कि त्रिपुरा बताया मुझे 70% फॉरेस्ट एरिया है और 3-4 चीजों को फॉरेस्ट में एक गिलोय को पूरे देश का हब बनाने की योजना, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को और जो मंत्रालय है ट्राइबल मंत्रालय उसको जोड़ करके हम उसमें भी सेल्फ हेल्प मेडिसिनल प्लांट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो 70% ये त्रिपुरा गवर्नमेंट अगर को टारगेट कर रही है, रबर को टारगेट कर रही है, अगर रबर और सागवान ये तो होगा, बैम्बू में भी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखा है, एक एक्टिव चारकोल होता है। आपके यहाँ 2 तरह का बैम्बू है, एक सॉलिड बैम्बू, एक अंदर से होल बैम्बू। सॉलिड में 30% एक्टिव चारकोल आते हैं। यहाँ की सरकार, भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूट है हिमाचल में ICR का, CSIR का, वो पालमपुर में, उनके डायरेक्टर से बात आज मैं चीफ सेक्रेटरी को और यहाँ की टीम जाएगी। जो हमारी बहनें बैम्बू बेस हैंडीक्राफ्ट पर काम करती हैं, जो उनका वेस्ट बचेगा बैम्बू, उस बैम्बू को हम एक्टिव चारकोल बनाएंगे, जो 20-30% एक्टिव चारकोल आते हैं बन करके, जिसका $5 पर केजी इस महीने का रेट था और पूरी दुनिया में इसका खपत हर साल बढ़ते जा रहा है। तो मैं तो आग्रह करूंगा डिप्टी CM से, एक तरफ फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट, लेकिन दूसरी तरफ एक्टिव चारकोल को भी आप टारगेट में रखें और 70% एरिया जो फॉरेस्ट है ये एक यहाँ के GDP में मील का पत्थर साबित होगा और हमारी बहनों को रोजगार देने में भी एक कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कष्ट किया और हमारी बातों को सुना, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ।